वेलकम इन इनफाइनाइट एजुकेशन, सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके जो लास्ट क्लास थी उसमें आपके सेल है वो कंप्लीट हो चुकी थी। सेल में क्या क्या पढ़ा था वो एक बार देख लेते हैं। सेल में हमने सबसे पहले तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट देख ली, सिंगल सेलुलर और मल्टी सेलुलर है उसके बारे में देख लिया। मल्टी सेलुलर है उसमें 10^14 सेल होती है, ठीक है। ये कुछ हमने लास्ट क्लास थी उसमें देखा था। टाइप देख लिए थे सेल के, यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक है उसमें डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है ना, जबकि इसमें डेवलप नहीं होता। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपके पास बायोकेमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर। बायोकेमिस्ट्री का ये थर्ड लेक्चर है और इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री का ये कंप्लीट है। इसके बाद में इंट्रोडक्शन का कुछ नहीं बचता आपके पास, जो कुछ बचेगा वो हम आगे लेते चलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सबको पता है सेल मेम्ब्रेन क्या है, और नहीं है तो अब देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन, ऑल लिविंग सेल्स आर सराउंडेड बाय हाईली विस्कस स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में देखें तो हिंदी में ऐसे बोलता है कि जितने भी लिविंग सेल है, जितने भी जीवित कोशिकाएं हैं, वो सभी अपने चारों ओर एक चिपचिपा पदार्थ है, चिपचिपी संरचना से घिरी हुई रहती है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, समझे। ये हो गई सेल के अंदर क्या हो गए, साइटोप्लाज्म। और जो आपको ये ब्लैक स्ट्रक्चर दिख रही है, जो कि सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल वॉल के अंदर में सेल मेम्ब्रेन के सेल वॉल के नीचे के साथ, ठीक है। अब द सेल मेम्ब्रेन इज ए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन विच इज सेलेक्टिवली परमिएबल। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है। कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है उसमें क्या क्या पाया जाता है, किस किस से मिलकर वो बनी हुई होती है। तो ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आर कंपोज बाय अ डिफरेंट कंपाउंड। सभी जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है वो अलग अलग कंपाउंड की बनी हुई होती है। फर्स्ट है प्रोटीन, प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड की होती है, फास्फोलिपिड और कार्बोहाइड्रेट, ये चार स्ट्रक्चर होती है जिसकी अपनी सेल मेम्ब्रेन है वो बनी हुई रहती है। चलो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें एक मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसे समझना पड़ेगा। तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो आपको बाय सिंगर एंड निकोलसन, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। इसके अनुसार क्या है कि इस मॉडल में सेल मेम्ब्रेन इंटरनल प्रोटीन आर इमर्ज्ड इन अ लिपिड बायलेयर। इसमें क्या होता है, लिपिड की बायलेयर होती है, दो लेयर होती है लिपिड की, कैसे देखो, एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, ऐसे ये दो लेयर किसकी होती है, लिपिड की होती है, बायलेयर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन, इंटरनल प्रोटीन और एक्सटर्नल प्रोटीन, दो प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। तो लिपिड की जो बायलेयर स्ट्रक्चर है, परत है, लेयर है, उसके अंदर पाए जाते हैं और बाहर पाए जाते हैं दो टाइप के प्रोटीन। तो वही बात है, इंटरनल प्रोटीन आर इमर्ज इन द बायलेयर ऑफ लिपिड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल विच इज ए मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ अ मोज़ेक ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, एंड लिपिड विच आर फ्री मूवमेंट इन द फ्लूइड प्लेन ऑफ मेम्ब्रेन। जो प्रोटीन होते हैं वो क्या करते हैं, मेम्ब्रेन विच एज मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ए मोज़ेक ऑफ प्रोटीन, ये रखती है मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन के मोज़ेक रखती है, लेकिन जो लिपिड होते हैं वो फ्रीली मूवमेंट करते हैं। जो लिपिड होते हैं ये फ्रीली क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है सर। अब बात हो गई कि भाई लिपिड की लेयर होती है और उसमें
बाईलेयर लिपिड हो, बाईलेयर लेयर होती है, द्वि परतीय सतह होती है ना लिपिड की। अब फ्लूइड मोजेक मॉडल है जो कि सेल मेम्ब्रेन का, किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन ने। तो इसमें क्या है कि जो लिपिड ये पाया जाता है लिपिड, अब लिपिड क्या है, दो तरह के पाए जाते हैं इसमें लिपिड, कौन कौन से? इन लिपिड लेयर देर आर टू पोल ऑफ प्रेजेंट, दो पोल है वो प्रेजेंट होते हैं। कैसे? आप देखो ये इसमें से जूम करके देखो, हमने एक ये टुकड़ा उठाया, इस टुकड़े को उठाया और हमने देखा तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनी, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनी। ये स्ट्रक्चर क्या है? ये एक लिपिड का टुकड़ा, एक लिपिड मान लेते हैं इसको, एक लिपिड है ये। इसको हम स्टडी करें तो इसमें क्या है, दो पोल होते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। अब पोलर है वो क्या काम करता है और नॉन पोलर है वो क्या काम करता है, वो भी देख लेते हैं। देखें ठीक है, देखो ये हमने एक यहाँ पर एक हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर, ये हो गई एक लिपिड की एक लेयर हो गई। अब ऐसे कर करके क्या है, देखो एक मिनट को, इसको हम यहाँ पे समझते हैं इस जगह पे, देखो ऐसे करके क्या है, एक लेयर है वो तैयार होती है, कुछ ऐसे करके, जो हो गई लिपिड की लेयर, एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, तो ये दो लेयर हो गई लिपिड की। अब इसमें होता है प्रोटीन है वो अंदर धसे हुए रहते हैं, जैसे कोई प्रोटीन ऐसे हो गया, कोई ऐसे हो गया प्रोटीन है, कोई यहाँ पे प्रोटीन है, ठीक है, ऐसे करके प्रोटीन अंदर इमर्ज या धसे हुए रहते हैं। प्रोटीन जो रेड कलर का है वो है प्रोटीन, और जो ब्लू है वो है लिपिड जो कि बाई लेयर है, ठीक है। तो इसमें हम क्या है, हमने इसको एक को निकाला, इस एक को निकाल के देखा, एक को निकालते हम देखो ये हमारे सामने एक लिपिड का टुकड़ा होगा। इसमें जो हेड पार्ट है, हेड पार्ट, और एक हो गया टेल पार्ट। अब हेड पार्ट क्या होता है, टेल पार्ट क्या होता है, तो देखो पोलर हेड, हेड है वो क्या होता है, पोलर यानी ध्रुवीय होता है, हाइड्रोफिलिक क्वालिटी का होता है, जो कि मे बी बाइंड विथ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल है जिससे बाइंड रहता है, ठीक है। और नॉन पोलर पार्ट है वो क्या है, टेल है, जो कि हाइड्रोफोबिक क्वालिटी का होता है, अगेंस्ट वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के अगेंस्ट होता है, ठीक है। देखो ये हो गया अपने पास हेड जो कि पोलर होता है, पोलर, और ये क्या है, हेड है ये आपके वाटर बाइंड यानी कि ये हाइड्रोफिलिक है, और जो टेल है ये क्या है, वाटर अगेंस्ट, वाटर अगेंस्ट। अब कैसे याद रखोगे वाटर अगेंस्ट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो देखो ऐसे याद रखो, नाम आ रहा है हाइड्रोफोबिक, फोबिक, फोबिया यानी डर, फोबिया यानी डर, यानी कि इसको पानी से डर लगता है, इसलिए अगेंस्ट, इसकी क्वालिटी क्या है, अगेंस्ट वाटर मॉलिक्यूल, और हाइड्रोफिलिक है तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, जब फोबिया याद कर लिया तो, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की, जो सेल मेम्ब्रेन है ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का काम भी करती है। कैसे करती है, देखो मटेरियल मूव थ्रू मेम्ब्रेन इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू वेरियस मैकेनिज्म। एक सेल है,
अंदर और बाहर है, वो मटेरियल है, वो क्या करते हैं, इन आउट मूवमेंट करते हैं। अब वो मूवमेंट करते हैं वो किस किस मैकेनिज्म से करते हैं वो हम पढ़ेंगे। पहला है एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, सेकेंड इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सक्रिय, पैसिव यानी निष्क्रिय ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, विशिष्ट विसरण फिल्ट्रेशन हो गया, और एक पंप का हो गया सोडियम पोटेशियम पंप। ये आपके एक तरीके से एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आता है। ठीक है चलो देखते हैं, फर्स्ट पढ़ते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम? द सेल यूजेस एनर्जी टू गेट मॉलिक्यूल इन और आउट ऑफ द सेल अगेंस्ट द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट यानी होता है एक तरीके से ढलान। भाई ये लिया हमने क्या, एक सेल। सेल ले ली तो आउट और इन है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कोई भी मॉलिक्यूल से उसकी मात्रा क्या है, कम है, और अंदर है वो, सॉरी बाहर तो क्या है, कम, बाहर ज़्यादा है, सॉरी सॉरी, बाहर अमाउंट है या ग्रेडियंट है वो क्या है, ज़्यादा, और अंदर क्या है, कम है। लेकिन क्योंकि ये क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो अधिक मात्रा से कम मात्रा में जाना चाहिए, लेकिन इसमें क्या करेगा, बाहर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अधिक कम से ज़्यादा, कम से ज़्यादा की ओर जाएगा। ठीक है नेक्स्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, इन पैसिव ट्रांसपोर्ट द सेल डू नॉट यूज़ एनी एनर्जी। इसमें कोई एनर्जी यूज नहीं लेती, जो मॉलिक्यूल्स है वो अधिक मात्रा से कम मात्रा की हो जाएगा। ठीक है, जैसे डिफ्यूजन यानी विसरण, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। हमने क्या की, मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है अगरबत्ती। अगरबत्ती को एक कोने में जला के रख दिया, अब उसकी खुशबू है वो धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाएगी। क्यों? वो होता है आपका डिफ्यूजन के कारण। कैसे? जहाँ हमने अगरबत्ती जलाई वहाँ पे क्या था, उसकी अमाउंट है या कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा थी, और पूरे कमरे में क्या है, कंसंट्रेशन कम है। तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी वो जाएगी। ठीक है नेक्स्ट है ऑस्मोसिस, परासरण। ठीक है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट। वैसे तो सॉल्यूट एक तो होता है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में एक तो होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। इन दो से मिलकर बना होता है, इन दो से मिलकर सॉल्यूशन है वो बना होता है। तो वैसे तो क्या है, सॉल्यूट है वो जाता है, लेकिन ऑस्मोसिस में क्या है, सॉल्वेंट जाता है, सच एज वाटर। वाटर है विलायक, विलेय और विलायक है ना, इसमें सॉल्वेंट यानी विलायक, सच एज वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन इन सेल ऑफ सॉल्वेंट इज वाटर। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम में झिल्ली लगी हुई होती है, वहाँ से सॉल्वेंट जाता है अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, कौन, सॉल्वेंट यानी वाटर। ठीक है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ये क्या होता है, इन दिस ट्रांसपोर्ट और प्रोटीन, इन दिस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन हेल्प टू मूव मॉलिक्यूल्स अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट एनी एडिशन एनर्जी इनपुट द सेल। देखो ये क्या होता है, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे, हमने बनाई एक सेल, एक बना ली सेल। अब सेल है तो इसमें क्या होता है, ऐसे यहाँ पे क्या है, प्रोटीन है, ये रेड रेड है, ये है क्या, प्रोटीन। अब कोई मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स मान लो ये, अब ये यहाँ से तो निकल नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोटीन,
तो ये प्रोटीन है वो प्रोटीन से होकर अंदर जाएंगे, और ऐसे कोई अंदर है तो वो डायरेक्ट तो आ नहीं सकते, वो आएंगे प्रोटीन से बाहर, ठीक है समझ गया, ये तो आएंगे नहीं वो, ठीक है। ये होता है आपके पास फैसिलिटेड डिफ्यूजन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विद हेल्प ऑफ प्रोटीन। ग्लूकोज एंटर इनटू मोस्ट सेल बाय फैसिलिटेड डिफ्यूजन, दस फैसिलिटेड डिफ्यूजन इज कैरियर असिस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो प्रोटीन है उसको हम कैरियर भी बोल सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन छानना, देखो फिल्ट्रेशन का एक सेल में एग्जांपल देखें तो वो आएगा बोमेन कैप्सूल इन द किडनी, कैसे वो पढ़ा आपने, किडनी पढ़ी, न्यूरॉन पढ़ा, न्यूरॉन में क्या है, न्यूरॉन का पार्ट होते हैं कौन कौन से, बोमेन कैप्सूल हो गया, PCT, DCT, हेनले लूप और कलेक्टिंग डक्ट, तो ये पार्ट होता है। ये जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। यहाँ से नर्व्स आती है, सॉरी आर्टरियोल्स, ठीक है, यहाँ से आर्टरियोल्स आती है और यहाँ से जाती है। अब जो जो भी पार्ट है फिल्ट्रेट होकर छनकर कहाँ आता है, PCT में आता है, PCT से आके हेनले लूप से होकर कहाँ चल जाता है, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट तक चला जाता है, ठीक है। यह है किडनी का न्यूरॉन। अब पढ़ लेते हैं क्या क्या दे रखा है इसमें। कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे डाउट क्लियर कर सकते हो, नंबर दे रखें। इट इज़ द मैकेनिकल ऑपरेशन और प्रोसीजर यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड। अरे यार वो बात आ गई, इसमें क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यूज होता है। देखो एक घरेलू एग्जांपल देख लेते हैं। घरेलू एग्जांपल का मतलब है कि चाय की छालनी, चाय जिससे हम छानते हैं, चाय छलनी होती है ना, बस वही चाय पत्ती तो ऊपर रह जाती है, वो जो चाय है लिक्विड पार्ट या फ्लूइड वो आ जाता है आपके पास किस में, कप में, ये आता है फिल्ट्रेशन बस। और ये एग्जांपल आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। सम स्पेशल एक्टिविटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन कौन कौन सी, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस देखें। फर्स्ट है एक्सोसाइटोसिस। व्हाट इज एक्सोसाइटोसिस, इन दिस प्रोसेस सेल मेम्ब्रेन रिलीज मॉलिक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू आउटसाइड ऑफ द सेल, रिलीज साइटोप्लाज्म, दिस इज साइटोप्लाज्म एंड दिस इज आउटसाइड ऑफ सेल, इन दिस मॉलिक्यूल्स रिलीज फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू आउटसाइड ऑफ सेल एंड इट्स अपोजिट ऑफ एंडोसाइटोसिस। व्हाट इज एंडोसाइटोसिस, ट्रांसपोर्ट लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन इनटू साइटोप्लाज्म, बाहर से अंदर आए तो एंडोसाइटोसिस, एंडो यानी अंदर, एक्सो यानी एक्सोसाइटोसिस यानी सेल, सिंपल। फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, फेगो यानी कि सेल ईटिंग, इट इज आल्सो नोन एज सेल ईटिंग इन विच सेल मेम्ब्रेन इनगुल्फ यानी निकलना यानी कि अंदर लेना, द हार्मफुल बैक्टीरिया फॉरेन बॉडी एंड डिस्ट्रॉय देम, क्या करता है सेल है, ये हो गई एक प्यारी सी छोटी सी सेल, इसमें क्या होता है बाहर है कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया है, उनको क्या करेगा ये इंगुल्फ करेगा यानी कि अंदर लेगा, अंदर लिया और उनको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर दिया उनको। ये एक मैक्रोफेजेस है, ये शो करता है, मैक्रोफेज आपने पढ़ लिया, ठीक है, मैक्रोफेज है और मैक्रोफेज एंड ग्रेनुलोसाइट ये दो है इसके एग्जांपल जो ये फेगोसाइटोसिस प्रोसेस है शो करते हैं, ठीक है। अब है पिनोसाइटोसिस, व्हाट इज पिनोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग विच
लीड टू सेलुलर अपटेक ऑफ फूड। अगर पिनोसाइटोसिस आ गया, पिनो पिनो यानी पीना, पीना किसे पीते हैं, फ्रूड को, फ्रूड को पिए या अंदर लेके नष्ट करे, तो वो आया पिनोसाइटोसिस। और फेगो यानी कि एक लार्ज मॉलिक्यूल्स नॉट ए फ्लूड सॉलिड पार्टिकल्स, जिसको हम इंगुल्फ करें सेल, वो आएगी फेगो, फेगोसाइटोसिस। साइटोसिस यानी सेल, फेगो यानी सॉलिड पार्टिकल। ठीक है, थैंक यू। और कुछ डाउट हो तो आप, नंबर है 9462341892, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें, और टेलीग्राम है उसमें नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं, रेगुलर क्लासेस चल रही है। किसी भी कोई टेक्निकल इशू या फिर कोई पर्सनल काम आ जाए उसके कारण ज़रूर थोड़ी क्लास रुक जाती है, वरना रेगुलर चल रही है और चलेगी। ठीक है, कमेंट ज़रूर करें और तो शेयर करें, देखते रहें। ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपका ख़त्म कंप्लीट हो चुका है, बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आपके 3 लेक्चर में कंप्लीट होता है। अब चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पर, नेक्स्ट टॉपिक। कमेंट में बताएं क्या पढ़ना चाहते हो आप, वरना हम तो पढ़ा ही रहे हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए राधे राधे।